हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे। टाइफाइड फीवर एक तरह का बुखार है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि पाचन तंत्र के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फ्लामेशन होने की वजह से यानी कि उसमें सूजन होने की वजह से ये फीवर होता है। इसीलिए हम इसको इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं या एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरे को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ये, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला जीनस है, टाइफी स्पेसीज है। इस जीनस में बहुत सारे स्पेसीज है, लेकिन ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये बहुत ही खतरनाक तरह के साल्मोनेला के स्पेसीज है जो टाइफाइड फीवर पैदा करता है ह्यूमन के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर। ठीक है, ये कैसे करता है कि देखिए, तो हमारे पेट के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है। चला कैसे जाता है तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए चला जाता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब यह हुआ कि यानी फूड जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर अगर ये बैक्टीरिया है तो ये चला जाएगा, खाने के साथ चला जाएगा। या पानी जो हम पीते हैं उस पानी में अगर ये बैक्टीरिया है तो चला जाएगा। तब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैक्टीरिया पानी में चाहे फूड में है क्यों, तो उसका घर द्वार ही वही है, उसी में रहता है। इसलिए हमें पानी और खाना ये साफ सुथरा खाना चाहिए। खाना हमें बहुत बढ़िया से पका के खाना चाहिए और खाना जो हम बना रहे हैं उसको पहले धो लें ठीक से। साग है, सब्जी है या जो कुछ भी हम खाना बना रहे हैं उसको बढ़िया से साफ कर लें, पानी से धो लें, कई बार धो लें, ताकि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो पानी के साथ धोआ के निकल जाएगा, धुल के जो है वो निकल जाएगा बैक्टीरिया। पानी पिए हैं तो अगर हमारे पास पानी जो है सेफ वाटर हमारे पास नहीं है, गांव देहात में जो चापाकल से पानी निकाल के पीते हैं, तो उसमें वो बैक्टीरिया हो सकता है। तो उसको हम ठीक से उबाल लें, इतना उबाल लें कि मतलब उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो मर जाए, फिर उसको ठंडा करके पिए। या बहुत नीचे से जो पानी, बहुत सेफ पानी अगर कहीं से भी आप हासिल कीजिए और उसको पीजिए। नहीं तो ये अभी जो मौसम है, अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस टेम्परेचर पे इस साल्मोनेला टाइफी का या इसी तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव का ग्रोथ बड़ी तेजी से होता है। तो ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन यानी कि इसकी जो संख्या है एनवायरमेंट के अंदर, फूड के अंदर हो चाहे पानी के अंदर हो या साग सब्जी में लगा हुआ हो या फल में हो, यहाँ कहते तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो वो किसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है और बीमारी पैदा कर सकता है। इसके बहुत ही पैथोजेनिक प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा जो है पाथवे है। तो उसको ये जो 10+2 के स्टैंडर्ड का ये वीडियो है तो इसमें हम पूरी उसकी मोलिकुलर पाथवे हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जिसको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं, पैथोजेनिक का मतलब होता है बीमारी पैदा करने वाला। तो ऐसा बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करे उसको कहेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब ये संक्रमण पैदा कर दिया, हम खाना खाया, पानी पिया, हो सकता है कि उसमें बैक्टीरिया हो और पेट में चला गया, और पेट की जो दीवारें होती है, इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवारें होती है, अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एक होल के तरह है, उसकी जो दीवार है, उसी पाइप है, उसकी अंदरूनी दीवार है, उस दीवार की जो कोशिकाएं हैं उस पे जाकर ये अपना घर बना लेता है। घर बनाने के बाद वो ऐसी जहर उसमें जो है अपने शरीर से सीक्रेट करता है यानी निकालता है कि उस सेल को, उस कोशिका को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वहां अल्सर पैदा हो जाता है। अल्सर माने घाव पैदा होता है, इंटेस्टाइन के अंदर वो घाव पैदा कर देगा। घाव पैदा कर देगा तो उसी को कहते हैं, घाव को इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन हुआ, पेट में दर्द होगा, फीवर होगा,
और फिर जो है उसके सिम्टम आएंगे और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका दवा इलाज करेंगे। तो ये इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुसकर इंटेस्टाइन के अंदर जाकर इस तरह से वो वहाँ पे बीमारी पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से रहता है तो वो क्यों रहता है, वो बीमारी क्यों नहीं पैदा करता है, ये बीमारी जाके कैसे पैदा कर दिया, तो उसका एक लंबा चौड़ा वही मैं बात कह रहा हूँ, ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो हायर क्लासेस पर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना समझ जाइए कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए चला गया और फिर ये इंटेस्टाइनल फीवर पैदा करेगा और उसमें क्या होता है बॉडी के ऊपर जो है रैशेज, लाल लाल जो है रैशेज निकल जाएंगे और इसमें क्या है कि इसके जो सिम्टम है वो सिम्टम क्या है कि लगभग 39 to 40 डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। तो जो सस्टेंड बॉडी टेम्परेचर होगा, सस्टेंड बॉडी टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि वो लगातार वो बुखार छूटेगी नहीं जल्दी। मान लीजिए कि कोई आप जो है टेम्परेचर रिलीजिंग जो है टेम्परेचर कम करने वाला कोई मेडिसिन ले लिया, जैसे पैरासीटामोल ले लिया, तो उससे जो है टेम्परेचर तो थोड़ा डाउन हो जाएगा लेकिन बीमारी ठीक नहीं। तो ये सस्टेंड टेम्परेचर जो है 49 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी का रहता है, जिसको जो है ये टाइफाइड फीवर हो गया, जिसको ये बीमारी हो गई। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या क्या होता है सिम्टम कि उसके पेट में दर्द होगा यानी कि इंटेस्टाइनल पेन होगा, उसको एपेटाइट लॉस हो जाएगा यानी भूख नहीं लगेगी, खाने को मन नहीं करेगा, उसको कंस्टिपेशन होगा। तो इस तरह के सिम्टम उसके अंदर आएगा। और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये इंटेस्टाइनल सेल को डैमेज करता है, आप देख सकते हैं कि ये सो बैक्टीरिया इस फिगर में फिगर के अंदर देखिए कि वो इंटेस्टाइन के सेल्स है यानी कोशिका है, और आप देख रहे हैं कि दो कोशिकाओं के बीच में एक जो है ना वो है पट्टी लगा हुआ जो कि दो कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ वो जोड़ के रखता है। अब ये जो सेल, ये जो बैक्टीरिया गया कोलोनाइज हुआ यानी कि वहां पे अपना घर द्वार बना लिया और वो उस सेल के अंदर घुस जाता है, वो टाइट जंक्शन प्रोटीन को तोड़ देता है, टाइट जंक्शन प्रोटीन है उसको तोड़ के साइड से वो घुस जाता है अंदर। चूंकि वो अब सेल के अंदर घुस गया यानी कि कोशिका के अंदर घुस गया, तो ऐसे पैथोजन यानी बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, ऐसी चीज जो सेल के अंदर घुस जाए उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर पैथोजन। तो ये साल्मोनेला टाइफी क्या है, साल्मोनेला टाइफी ये इंट्रा सेलुलर पैथोजन है, ऐसा पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो सेल के अंदर जाके घुस जाता है। ऊपर तो रहता ही है, ऊपर रह के घाव पैदा कर दिया, अंदर भी चला गया, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया है तो इंट्रा सेलुलर पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे, अगर वायरस है तो इंट्रा सेलुलर, वायरस तो खैर उस होस्ट के अंदर जाता ही है, फंगस है तो उसको इंट्रा सेलुलर। तो इस तरह से इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर अगर चला गया कोई पैथोजन यानी बीमारी पैदा करने वाली चीज है तो उसको इंट्रा सेलुलर पैथोजन कहेंगे। तो देखिए एक तो ये बात हुई कि टाइट जंक्शन प्रोटीन को वो तोड़ दिया और सेल के अंदर घुस गया और इस तरह से बहुत दिन तक उसमें रहता है, थोड़ा सा भी मौका मिलेगा ना तो वो टाइफाइड फीवर पैदा कर देगा। तो ये क्या है कि ये फूड एंड वाटर के जरिए यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए हमारे आहार नाल के अंदर चला जाता है और ये वहां पे अपना घर द्वार बना लेता है, अपनी पॉपुलेशन को बहुत इंक्रीज कर लेता है और फिर इन्फेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। इन्फेक्शन जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी ठीक से, खाने को मन नहीं करेगा यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, हाई फीवर होगा, पेट में दर्द होगा और उसके उसके जो है अगर सीवियर केसेज है यानी कि बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से इन्फेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, बड़ी तेज बुखार है और सीवियर केसेज माने बहुत बीमारी जो है तेज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ठीक से अगर इलाज नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन के अंदर छेद हो जाता है और उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब सुई से जैसे आप किसी पाइप में छेद कीजिएगा ना, दिखेगा नहीं लेकिन अंदर उसमें से क्या होगा,
इंटेस्टाइनल परफोरेशन जब होगा तो बहुत सारा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर घुसकर और वहां से जो है फिर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए वो सिस्टेमिक ऑर्गन में चला जाएगा। सिस्टेमिक ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, जो बहुत सारे सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स एग्जिस्टिंग इन आवर बॉडी, तो उस सिस्टेमिक सिस्टम का जो ऑर्गन है उस ऑर्गन में चला जाएगा, यानी कि सिस्टेमिक ऑर्गन में चला जाएगा और क्या होगा कि पूरे बॉडी में फैल जाएगा और उससे क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर टाइफाइड फीवर अगर किसी को हो गया तो तुरंत वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि डॉक्टर का ट्रेनिंग ही उसी के लिए होता है, तो वो ट्रीटमेंट करेगा। यहाँ पे 10+2 लेवल पे आप बस इतना जानिए कि सलमोनेला टाइफी टाइफाइड फीवर यानी कि एंटेरिक फीवर पैदा करने वाला एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो टाइफाइड फीवर पैदा करता है। जब ये सिम्टम सारे आ गया जो कि मैंने बताया, तो आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं। तो वो विडाल टेस्ट कराने के बाद ये जो है कंफर्म होगा कि टाइफाइड फीवर है या कोई दूसरा फीवर है। तो बिना टेस्ट के आप कह नहीं सकते हैं, सिम्टम तो बता रहा है ठीक है टाइफाइड है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो विडाल टेस्ट कराएगा या और भी बहुत सारे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो बुक दी है, जो टेस्ट दिया हुआ है, वो विडाल टेस्ट है और हर लेबोरेटरी में ये विडाल टेस्ट होता है। तो विडाल टेस्ट के जरिए कंफर्म होगा कि ये अब टाइफाइड फीवर है या किस तरह का फीवर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो टाइफाइड फीवर के कंफर्मेशन के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो वो टेस्ट करा के आप जो है कन्फर्म हो लीजिए कि हाँ टाइफाइड है, उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करेगा, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट देगा, उसके साथ जो है और भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन दिए जाएंगे और उससे आपकी फीवर जो है ठीक हो जाएगी। तो ये जो है सालमोनेला के बारे में मैं बता रहा था। सालमोनेला क्या करता है कि टाइफाइड फीवर कॉज करता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर और इंटेस्टाइनल फीवर, एंड सालमोनेला टाइफी मोरियम या सालमोनेला टाइफी इज ए ग्राम निगेटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसको कहते हैं जो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है। हालांकि आप जानते हैं कि बहुत सारा बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि बीमारी पैदा नहीं करता है, जैसे दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बाइफिडोबैक्टीरियम, और एक फंगस है सैक्रोमाइसिस बोलार्डी जिसको हम एज ए प्रोबायोटिक कैप्सूल के रूप में मार्केट में आता है, हम बैक्टीरिया खाते हैं। तो बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर भी करता है, बीमारी नहीं भी पैदा करता है। तो बीमारी पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, और जो बीमारी पैदा करने वाला नहीं है उसको नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टाइफाइड के बारे में जाना और टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम जाना, क्या है बैक्टीरिया का नाम सालमोनेला टाइफी, और कौन से टेस्ट करा के हम जो है इस बीमारी को डिटेक्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो विडाल टेस्ट, ये दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। और फिर जो है अगले वीडियो में हम निमोनिया की बात करेंगे। निमोनिया भी एक तरह का फीवर है, उसमें फीवर होता है लेकिन वो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज है। तो हम अगले वीडियो में निमोनिया की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।